आज सुबह दिल्ली के मलकागंज सब्जी मंडी से एक बहुत ही दुखदायी तस्वीर जो है वो सामने आई। मलकागंज नई सब्जी मंडी में वहाँ एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह जो है वो नीचे ढह गई। तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि लोग वहाँ जो है राहत के काम में और रेस्क्यू टीम भी लगातार वहाँ, चाहे NDRF हो, दिल्ली पुलिस और तमाम तबके, सिविल डिफेंस, तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। तार वगैरह भी रोड पर पूरी तरह गिर चुके हैं, आम लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका और ख़बरें हैं। अब तक जो है वो 2 से ज़्यादा बच्चों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। और पीछे जो है एक इस बिल्डिंग में एक दुकान में जो है वो रिन्यूमेशन का काम की जो है वो खबर है कि यहाँ जो है वो किया जा रहा था। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, इसमें जो है जिस दुकानदार की वो दुकान थी उस पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और हत्या का मामला भी और तमाम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ये खबर इस वक्त जो है वो साफ प्रशासन की ओर से की जा चुकी है कि इस तरह से, मतलब लापरवाही, इतनी लापरवाही के साथ क्यों आप इस तरह से काम कर सकते हैं और क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आई। तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, ये बहुत ही लापरवाही का मामला है कि एक बिल्डिंग को इस तरह से कंट्रैक्ट रिनोवेशन करना के ऊपर जो दूसरे लोग हैं जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उनकी कोई फिक्र ही नहीं। और इसमें जो है पुलिस और स्थानीय पुलिस की, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं MCD की जो है इसमें अहम भूमिका होती है कि सारी चीज़ें नॉलेज में होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासन ये सवाल ये खड़े होते हैं कि वो लोग क्यों इस तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसमें हम भी उम्मीद यही जता रहे हैं कि कम से कम मौतों की खबर आए, लेकिन अब तक 2 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो बच्चों की हो चुकी हैं और लगातार वहाँ जो है वो भय का, डर का माहौल लोगों में बना हुआ है कि किसका कौन अपना पता नहीं कहाँ दबा हुआ हो और किस तरह की तस्वीरें हैं। फ़िलहाल पुलिस ने पूरे एरिया में जो है वो नाकाबंदी कर और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है। फ़िलहाल आप तस्वीर में देख सकते हैं और जो पूरी इसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। स्थानीय वो भी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं, पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, NDRF की टीमें लगी हुई हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के वर्कर लगे हुए हैं, होम गार्ड लगे हुए हैं और MCD के आला अधिकारी, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सभी लोग वहाँ इस वक्त जो है पहुँच रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो है वो खेद प्रकट की है और ये कहा है कि सख्त एक्शन जो है वो होना चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ यही है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आखिर हम ही लोग जो है इस तरह की ये घटनाओं को अंजाम हमारी वजह से, प्रशासन की वजह से, कि रिश्वत लेकर खुले तौर पर मैं कहूँ MCD हो या पुलिस हो या दूसरे महकमे हो, वो इस तरह से कामों को अंजाम देते हैं। मलबे में गाड़ी भी दबी हुई दिख रही है, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा दबे होने की आशंका है। फ़िलहाल जो है 10 से 15 लोगों की आशंका जताई जा रही है कि इसमें दबे हुए हैं। फ़िलहाल की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और तस्वीरें